स्टार्ट करते हैं हम रॉयल प्ले PG5 उसका टॉप कोड लगाना जो हमारा 28वां चैप्टर है। तो 28वां चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, सीसेल बनाना। सीसेल हम बनाते कैसे हैं, तो ये जो है हमारा 28वां चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम मटेरियल बनाना। जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से हमारा मटेरियल तैयार होता है, तो ये हमारा रॉयल प्ले PG5 है और नंबर आपने देख ही लिया स्क्रीन पे, इसका नंबर चल रहा है, वही इसका नंबर है टॉप कोड का। और ये हमारे पास 2 लीटर था और दीवार जो थी हमारी वो हमारी 200 फीट से कुछ ज़्यादा थी और थोड़ा हमने इसमें मैजिक कोड डाला। मैजिक कोड तो आप जानते हो कि हर वीडियो मेरा पड़ता है और काफ़ी बंदे बोलते हैं ये हमें मिल नहीं रहा, तो ये बहुत जल्द आपको आपके शहर तक पहुँच जाएगा। कंपनी जो पूरे जोर शोर से हर एक शहर में इसको पहुँचाने की कोशिश कर रही है। तो हमने जो है 200 ग्राम करीब इसमें मैजिक कोड डाला है 2 लीटर में, जिससे कि हमारी दीवार पर जोड़ नहीं आएंगे। मैजिक कोड का असली जो मकसद जो होता है वो यही होता है कि दीवार में जोड़ ना आए। और मटेरियल आपका 200 ग्राम अगर हम वो डालते हैं मैजिक कोड 2 लीटर में, तो कम से कम 3 लीटर मटेरियल बन जाता है, क्योंकि मटेरियल को भी ये फुलाता है। जब ये मटेरियल को जब फुलाता है तो उसकी वजह से जो दीवार में जोड़ नहीं आते हैं और बड़े आराम के साथ हम इसमें काम करते हैं। लेकिन इतना भी आप इसमें लापरवाही ना करें, आपने सोचा कि अब ये हमारे पास तो मैजिक कोड होगा जी और बस आराम आराम से करेंगे, इतनी भी आराम से नहीं करना है। पर ये है कि वैसे सूखेगा आपका 2 या 3 मिनट में जोड़, तो ये 5 मिनट आपके या 6 मिनट ले लेता है, मतलब डबल टाइम ले लेता है और उधर आपके माल की भी थोड़ी बचत कर देता है, माल थोड़ा फुला देता है, उससे ज़्यादा आपका मटेरियल हो जाता है। और तो अभी क्या है कि अब हम इसमें निकालेंगे सीसेल, और सीसेल किस तरह से निकालेगा वो सारा कुछ आपको बताएंगे। तो आपने पीछे जो इसका जो 27वां चैप्टर है उसमें आपने देखा होगा कि बेस हमने कैसे बनाया, जिसने अगर बेस का नहीं देखा है वीडियो तो वो 27वां चैप्टर देख ले, तो वहाँ पे मैंने बेस बनाते हुए दिखाया कि कौन सा कलर नीचे हमने बेस कोट में लगाया है। और ये सिर्फ ओनली टॉप कोट है, टॉप कोट का आपको मैंने पहले बता ही दिया है PG5 रॉयल प्ले PG5 है, मेटेरियल कोई नहीं है। और सीसेल आप देख सकते हो, सीसेल एक होता है बहुत पास में करके करना और एक होता है थोड़ा सीधा, मतलब थोड़ा जगह गैप छोड़ के, तो हमने इसमें थोड़ा सा ना गैप छोड़ा है। तो जैसे गैप अगर हम छोड़ते हैं ना तो उससे क्या लगता है, थोड़ा एक लुक चेंज हो जाता है। तो उसका जो इफेक्ट आता है वो आता है इफेक्ट जैसे कि आपने बांसी बांस होते हैं ना, बांस की से पत्तियाँ बना दी हमने, वैसा एक इफेक्ट सा आएगा इसमें और बहुत शानदार इसका डिज़ाइन लगता है देखने में, लगता है जैसे कि बांसी की हमने पत्तियाँ बना रखी हों। और ज़्यादा अगर घना हम बनाते हैं तो जो सीसेल है तो वो जो सीसेल की तरह ही दिखेगा। तो ये हमने एक इफेक्ट थोड़ा सा अलग दिया है, थोड़ा बड़े बड़े उसमें दिया है, तो इस तरह का हमने ये बनाया है। और थोड़ा शेप जो है इसकी थोड़ी सी चेंज है पहले से, क्योंकि थोड़ा सा हमने इसको डिफरेंट कर दिया है, क्योंकि एक डायरेक्शन में अगर हम इसको रखते तो वो एक डायरेक्शन जैसा दिखता, इसलिए हमने एक डायरेक्शन में नहीं रखा है इसको, हर डायरेक्शन में इसको हमने तैयार किया है इस डिज़ाइन के लिए। तो टेक्सचर का मतलब जो होता है कि टेक्सचर का मतलब होता है खेल कूद, रॉयल प्ले का मतलब होता है रॉयल प्ले का मतलब होता है खेल कूद, यानी खेल कूद में हम कुछ भी बना सकते हैं। तो कुछ भी अगर कुछ भी बनाएंगे तो वो डिजाइन बन जाता, तो उसको बोलते हैं हम टेक्सचर। रॉयल प्ले का मतलब होता है खेल कूद। तो इस तरह से हमने इसमें जो सीसेल है वो इस तरह से चलाया है। सीसेल जो टूल्स है तो इस तरह का डेनिम ब्रश के नाम से ये मिलता है, आप डेनिम ब्रश के नाम से इसे ले सकते हैं और या फिर सीसेल टूल के नाम से भी ले सकते हैं। बोले सीसेल का टूल चाहिए हमें तो वो भी आपको दुकान से, एशियन पेंट वालों की दुकान से, एशियन पेंट जो हार्डवेयर दुकान होती है वहाँ से ये टूल्स मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये हमने तैयार किया है और ये दीवार हमारी पूरी फाइनली हो चुकी है। और आपको दिखाते हैं फाइनली में किस तरह का हमारा टेक्सचर निकला है। अब ये लाइट का इफेक्ट है थोड़ा सा, रात में हमने बनाया था तो 2 शेड दिखाई देंगे इसमें, ये देखिए ऊपर थोड़ा दूसरा और नीचे कुछ दूसरा, अभी और जो आएगा आगे तो उसमें थोड़ा सा और गहरा रंग दिखाई देगा आपको। ये देखिए टेक्सचर हमारा बिल्कुल बांसी की पत्ती जैसा बना है, हमने मैंने आपको शुरू में बताया कि एक जैसा डायरेक्शन में नहीं बनाना है हमने,